बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पूर्व सीएम, ईवीएम को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अविश्वास जताया था। ईवीएम इस इस्तेमाल 2003 में शुरू हुआ, फिर अविश्वास सामने आने के बाद वीवीपैट लगाई गई। वीवीपैट तार से बैलेट यूनिट से कनेक्ट होती है, वीवीपीएटी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सर्वर से कनेक्ट होती है। पहले कलेक्टर कौन सी यूनिट कहाँ जाएगी ये तय करते थे, लेकिन अब रेडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल सर्वर से होती है, जिसके लिए प्राइवेट इंजीनियर बुलाए जाते हैं। इंजीनियर लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, जिसके बाद सिंबल लोड होते हैं, जिसके चलते चिप सर्वे सर्वा हो जाते हैं। वीवीपीएटी मशीन में 7 सेकंड के लिए दिखाई देता है, लेकिन जो दिखा वही डिब्बे में गिरा, इस बात का संदेह है। माइक्रोचिप जो वीवीपीएटी में है वही वोट डाल रहा है। पूरे विश्व में केवल 5 देशों में ईवीएम से चुनाव होता है। ऑस्ट्रेलिया में मशीन में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन भारत में आज तक कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है ये जानकारी पब्लिक में नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पब्लिक करने से सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है। आरटीआई के अंतर्गत कई प्रश्न पूछे गए, जिसके ईसीआई और बीईआईएल अलग अलग जवाब दे रहे हैं। पार्ट्स अलग अलग वेंडर्स से आते हैं, कहां गया चिप, वन टाइम प्रोग्राम चिप, लेकिन जब वीवीपीएटी आई तो चिप मल्टीपल प्रोग्रामेबल को हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स कहते हैं कि वीवीपीएटी प्रोग्राम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगी जाती है। ईसीआई इन सभी सवालों का जवाब नहीं देती है। साथियों, ये हमारा लक्ष्य है, हमें ईवीएम के वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। हमें माननीय चुनाव आयोग के निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। केवल अब माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे पास है और इसमें जो हमारे सिविल सोसाइटी के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर देवासाहन जी, उन्होंने प्रशांत भूषण जी के जो एडीआर का जो पिटीशन है उसमें इंटरवीनर में उन्होंने अपना दे दिया और 31 जनवरी को उसकी पेशी है। हम तो उम्मीद करेंगे और हम तो मांग करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से मैं खुले रूप से मांग करता हूं, इसको आप गंभीरता से लीजिए और सिंगल बेंच से हटाकर आपको इसमें फुल बेंच में इस केस को लेना चाहिए और फुल बेंच के माध्यम से ही इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए आप डे टू डे हियरिंग करिए, क्योंकि चुनाव आयोग आपको गुमराह करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के चक्कर में, टेक्नोलॉजी के चक्कर में डालेगा, जबकि उनके पास खुद के पास टेक्निकल टीम नहीं, उन्होंने स्वीकार किया हुआ है क्या? और फिर वो कोशिश करके करेंगे, भाजपा के मोदी जी कोशिश करेंगे कि सरकार के टेक्नोलॉजिकल जो लोग हों उनसे आप जांच करा लीजिए। हमें उन पर भी भरोसा नहीं है, हमको किसी भरोसा नहीं है, हमको तो केवल अपने पर भरोसा है। हमको तो वीवीपैट स्लिप अपने हाथ में दे दो, हम तो चाहेंगे बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर ना करके आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है मोदी जी, माननीय चुनाव आयोग, माननीय देश के प्रबुद्ध नागरिक, अगर ईवीएम से आपको इतना ही प्रेम है तो इसको रखिए। आप तो हमें डब्बे में सील डब्बे में हाथ वोट डालने के बजाय हमें हाथ में दे दीजिए, हम वहां से उठा के फोल्ड करके और सबके सामने वीवीपैट की वो स्लिप जो है हम मतपेटी में डाल देंगे।